जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, और आप सबको दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है मेरे बहुत दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चलते और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं था, इसी चलते वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था बहुत दिन से, और YouTube में इतना भी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा था, तो इसी चलते बहुत दिन से इंस्पिरेशन भी नहीं मिला था। ठीक है, फिर भी इस नया साल के तौर में मैं सोच रहा हूँ कि फिर से और एक बार नया शुरू करें। वही यूट्यूब चैनल रहेगा, लेकिन अब कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। ठीक है, फिर भी दोस्त, मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी डीजल इंजन में काम करते हैं, उन लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जिन लोग हैं जो कि ऑल ओवर देखते हैं, उन लोग को क्या तकलीफ आ सकता है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, एक रखा हुआ है BRP पैनल, इसको बोलते हैं। ये एक BRP पैनल है, ये इसका काम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। मैं दिखा देता हूँ पहले इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल कंपार्टमेंट है, पूरा जो है कंट्रोल कंपार्टमेंट है। मेरे दोस्त जो भी डीजल इंजन में काम करें, उन लोग को भी सब पता है कंट्रोल कंपार्टमेंट या कैब रूम्स किसको बोलते हैं। तो जो भी हो, उसके ऊपर सबसे टॉप में रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रिले का सेक्शन है, ऊपर देख सकते हैं रिले का सेक्शन है, उसके नीचे ही आप देख सकते हैं, वही मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर में जो है, ये BYBN है, ये BRP पैनल है। और साइड में इसका आप देख सकते हैं ये वाला सिस्टम को, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं, इसको TDR बोलते हैं, ये BRP पैनल है, और आपका ये जो है ये ट्रांजिशन पैनल है, ये जो आप देख सकते हैं 20 2101, 2102, 2103, 2074 लिखा है, ये आपका ट्रांजिशन पैनल है। हालांकि ये सब का इस्तेमाल क्या होता है और कहां कहां होता है मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको इसका लोकेशन दिखा दिया, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूं, माफ करिएगा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ BRP पैनल। इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं, BRP पैनल क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये दो दो हम लोग रखे हैं इधर, फिर ये एक तीन क्यों रखे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भी BRP पैनल आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल बोला जाता है, वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल इसको बोला जाता है। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अभी वोल्टेज को क्या रेगुलेट करता है, क्यों रेगुलेट करता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम देख सकते हैं, ये भी आप एक मीटर देख रहे हैं, ये जो आप मीटर देख रहे हैं बैटरी एमिटर शंट हम लोग बोलते हैं इसको, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं बैटरी एमिटर गेज भी इसको बोल सकते हैं। इसमें बैटरी का करंट इसमें शो करता है, बैटरी का चार्जिंग रेट इसमें शो करता है, कितना चार्ज में सब हो रहा है। तो एक कंट्रोल कंपार्टमेंट में BRP पैनल का काम क्या है, पहले तो इसके नाम पे ही इसका पूरा फंक्शन डिस्क्राइब हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल, जो पैनल की वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अभी वोल्टेज को रेगुलेट करने का जरूरत क्या पड़ जाता है, जब गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, जब गाड़ी को स्टार्ट करना रहता है तो हम लोग डीजल इंजन में, वो प्योरली डीजल इंजन कुछ नहीं होता है, और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, तो उसको स्टार्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए जरूरत पड़ता है, और इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में भी दिखाया है, यहाँ पर पूरा बैटरी रहता है, टोटल आठ ठो बैटरी रहता है, और टोटल आठ ठो बैटरी करीब करीब 67 का वोल्टेज हम लोग को सप्लाई देते हैं, और 67 वोल्टेज DC हम लोग को सप्लाई मिलता है। यही 67 वोल्टेज DC वही 67 DC वोल्टेज आप पहले एक्साइटर को पहले एक्साइट करता है, और साथ ही साथ एक्साइटर एक्साइट होने के पहले एक्साइटर घूमता है, साथ ही साथ आपका ऑक्सिलरी जनरेटर रहता है वो घूमता है, उसके बाद जाके मेन जनरेटर हम लोग का जो भी है मेन जनरेटर घूमता है। तो ये मेन जनरेटर को घुमाने के लिए और मेन जनरेटर को फील्ड को एक्साइट करने के लिए आपका जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात यह है कि फिर BRP का बात हो रहा है कि BRP क्यों इस्तेमाल होता है, तो BRP का इस्तेमाल का बात यह है कि जो पहले हम लोग का गाड़ी जो हो गया आपका, देख सकते हैं, तो जो पहले हम लोग का मेन जनरेटर जब घूमने शुरू कर देता है, मेन जनरेटर घूमने के बाद हम लोग को जो भी वोल्टेज चाहिए वो तो वोल्टेज हम लोग को इस
मिल ही जाता है, लेकिन बाद में जो वोल्टेज हम लोग को एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर हम लोग को बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो बैटरी को चार्ज में रखने के लिए, हम लोग फिर से क्या करते हैं कि एक्साइटर से फिर से सप्लाई हम लोग लेते हैं, एक्साइटर फिर रोटेट करके फिर हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। तो उसी दौरान कि बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग को बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा 64 वोल्टेज या 67 या 71 वोल्टेज तक हम लोग बैटरी को चार्ज करें, उससे एवोव नहीं कर सकते। तो उसके लिए ही हम लोग वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, स्टेबलाइजर की तरह, जैसे आप लोग घर में फ्रिज में देखेंगे स्टेबलाइजर रहता है, उसी तरह ही ये वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल है कि जो कि 71 वोल्टेज तक ही बैटरी को सप्लाई देता है, बाकी वोल्टेज और ड्रॉप कर देता है। तो उसका इस्तेमाल तो आप लोग जान लिए। फिर बताइए कि मैं इसको खोल के ही क्यों रखा हूँ। बात यह है कि हम लोग एक गाड़ी को मेंटेनेंस कर रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बार बार ऑक्सिलरी फेलियर आ रहा है। ऑक्सिलरी फेलियर जब आना शुरू हो गया तो क्या हो गया ना, बैटरी से चार्ज जलना शुरू हो जाता है। अगर बैटरी से अगर चार्जिंग जाना शुरू हो गया तो बैटरी पूरा डाउन हो जाएगा। इसी चलते ये इसको हमेशा सही रखना पड़ता है, तो वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल को हमको हमेशा सही रखना पड़ेगा। तो इसी चलते इसको हम लोग पहले कार्ड चेंज को, ये BYBN का कार्ड चेंज के हुआ नहीं, पहले फ्यूज देखना है। फ्यूज अगर सही है तो उसके बाद BYBN देखते हैं, उसके बाद जाके हम लोग उसके बाद जाके हम लोग चेक करते हैं कि उसका पैनल खराब है कि नहीं है। इधर रिपेयर करने के लिए हम लोग पास कुछ है नहीं, इसी चलते हम लोग BRP पैनल को सीधा एक्सचेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर रिपेयर करने के लिए कुछ सामान होता तो हम लोग जरूर कर लेते हैं। तो बात यह है कि BRP पैनल के बारे में आपको बता दिया, कल हो सकता मैं और एक वीडियो बनाऊँ जो बताऊँगा कि कैसे ऑक्सिलरी फेलियर को आप ठीक कर सकते हैं, और पूरा नाम के साथ पूरा आएगा। अभी जो भी वीडियो बनाऊंगा पूरा उसको टाइटल के साथ ही मैं दूंगा, चिंता मत करिए। तो बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेगा तो मुझे इंटरेस्ट होगा वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।